क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, कहाँ जाना चाह रहे हैं? सहारनपुर जा रहे हैं। अच्छा, क्या स्थिति है रोडवेज पर आप खड़े हैं? क्या स्थिति? हालत खराब है यहाँ तो। क्या किस तरह की शौचालय भी नहीं है, व्यवस्था कोई सफाई व्यवस्था सब खत्म है, सब कुछ नहीं है। बैठने की? बैठने व्यवस्था भी कुछ नहीं। अगर बारिश आ जाए ऐसे में क्या स्थिति? बस बारिश में हालत खराब है, हवा चल गई है, हालत खराब है, घर भी परेशान है, मतलब परेशान ही लोग बात। क्या सरकार ने कुछ व्यवस्था की? सरकार कुछ नहीं कर रही। परिवहन विभाग की तरफ कुछ नहीं, सब फैला मामला, सब व्यवस्था खत्म है इनकी तो। किराए पर एक बस स्टेशन लिया हुआ है जो राजमार्ग के पूर्वी दिशा में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे अतिक्रमण हैं। हमने वहाँ के विधायक एवं क्षेत्राधिकारी तथा प्रगणाधिकारी से मिलकर ये समस्या कई बार उठाई है कि वहाँ पर जो अवैध रूप से संचालित बसें हैं वो उससे कम वैसे तो बंद ही होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर दूर रखें, वो नहीं होता है। कई बार जो है वहाँ पर ट्रक आदि खड़े हो जाते हैं, और इस समय चूँकि वहाँ पर फ्लाईओवर बना है तो मिट्टी विट्टी वगैरह का वजह से वहाँ पर आना जाना। हमने राष्ट्रीय राज इसको प्रांतीय राज मार्ग अथॉरिटी को अनुरोध किया है कि वो हमारे लिए देवबंद ही नहीं बल्कि सभी सहारनपुर से दिल्ली के बीच लेबाई बनाएँ, जैसा कि राजमार्गों के लिए विशेष तौर पर प्रावधान है। और हमने नगर पालिका को भी नोटिस दिया है कि यदि वो हमारी सुविधाएँ बरकरार नहीं रखते हैं तो हम उसे